आज हम पहली बार अपने चैनल पर किसी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसमें आप YouTube, Facebook और WhatsApp जैसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रन भी कर पाओगे। वहीं जिस स्मार्टफोन का यूज करके आप ये वीडियो देख रहे हो, उसकी भी नीड आपको नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें आप सिम कार्ड जो इंसर्ट कर सकते हो। बात रही इसे बाय करने की, सो चले जाना जोन अल्फा की वेबसाइट पर। देन इनकी वेबसाइट पर आप कोई सा भी प्रोडक्ट Amazon और Flipkart की तरह बाय कर सकते हो, वो भी सभी तरह के पेमेंट ऑप्शन के साथ। तो चलिए फिर बातों को कम करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा इसका बॉक्स। जैसे हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ सबसे पहले हमें मिलती है यूजर मैनुअल, जो हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वॉच के सभी फीचर्स तो मैं ही आपको बता दूंगा। इसके बाद वॉच के साथ हमें मिलते हैं ये ऑरेंज कलर के ओशन लूप स्ट्रैप्स, जिनकी क्वालिटी कुछ ज्यादा खास नहीं है। वहीं एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इसके साथ आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। देन फाइनली आती है हमारी स्मार्ट वॉच, जिसके ऊपर की प्लास्टिक हटाने के बाद जो लुक आता है वो काफी गजब रहता है। एंड ये वॉच प्रॉपर 49mm के साथ आती है, लेकिन अगर आप इसकी ब्रेथ पर गौर करो तो ये बाकी अल्ट्रा वॉचेस से काफी मोटी है। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जब ये वॉच दिखने में हैवी लग रही है, सो ऑब्वियसली इसका वेट भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसके वेट को M10 अल्ट्रा के वेट से कंपेयर किया, सो उल्टे में इसका वेट M10 अल्ट्रा के वेट से 10 ग्राम कम ही था। इसके बैक पैनल पर नजर डाली जाए, सो इसके चारों कॉर्नर्स पर आपको इनबिल्ट स्क्रूज दिए गए हैं, सेम OG वॉच जैसे। साथ साथ कुछ सेंसर्स भी मिलते हैं, जो वर्किंग है या फिर नहीं वो सब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अदर साइड की बात की जाए, सो यहाँ पर आपको म्यूजिक एंड कॉलिंग के लिए स्पीकर वेंट दी गई है। मगर ये जो ऑरेंज कलर का एक्शन बटन आप देख पा रहे हो ना, ये कोई एक्शन बटन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इस वॉच का सिम कार्ड स्लॉट एरिया है। बट एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से आपको इसमें सिम इंसर्ट नहीं करनी, क्योंकि चाइनीज कंपनी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वॉच को 2 घंटे में फुली चार्ज करने के लिए दी गई है ये पोको पिन वाली चार्जिंग केबल। वैसे एक बात बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम किसी अल्ट्रा वॉच में पोको पिन वाली चार्जिंग केबल देखी है। बाकी जैसे हम वॉच को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको 4G लिखा मिलता है, बट ये वॉच अराउंड 15 सेकंड्स का टाइम लेती है स्विच ऑन होने में। और जैसे ये वॉच ऑन होगी, यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा सिम कार्ड इंसर्ट करने का। सो वो चीज आप पर डिपेंडेंट है कि आप इंसर्ट करते हो या फिर नहीं। देन नंबर ऑफ इनबिल्ड वॉच फेसेस की बात की जाए, सो उनके नंबर है 3। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि अगर आपको इसमें सिम कार्ड इंसर्ट नहीं करना, सो आप वाईफाई से भी कनेक्ट करके सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने एक वाईफाई डिवाइस भी वॉच के साथ कनेक्ट कर रखा है, और जैसा तेज इंटरनेट आपके स्मार्टफोन में चलता है, सेम ये वॉच भी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं इसका इंटरनेट ब्राउजर ऑन करूं, सो बहुत ही फास्टली ओपन हो जाता है। तो चलिए फिर इसमें अपना चैनल भी सर्च कर लेते हैं, और आप चाहो तो इसमें वॉइस कमांड देकर भी टाइपिंग कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर टेक्रोनिक सर्च करने के बाद सबसे पहला चैनल हमारा ही आ रहा है। चलो इस पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये ओपन होता है या फिर नहीं। लिटरली गाइस, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी स्क्रीन में हमारा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है किसी स्मार्टफोन का जो UI है ना, वो उठाकर इस वॉच में दे दिया गया है। UI की बात हो ही रही है, सो इसमें आपको दी गई है 2GB की RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज, जिससे आप फोटोज वीडियोस अपनी वॉच में ही डाउनलोड कर पाओगे। आइए अब चेक कर लेते हैं कि इस वॉच के जो सेंसर्स हैं वो रिलायबल हैं या फिर नहीं। सो डायरेक्ट इस वॉच को टेबल पर रखते हैं एंड चेकिंग को स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगा था कि एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है तो सेंसर्स सही होंगे, बट शायद मेरे सोचने और समझने में थोड़ी गलती होगी, क्योंकि इस वॉच के सेंसर्स रिलायबल नहीं है। बताओ यार, यहाँ ये टेबल का BPM ले रही है या जिंदा इंसान दुखी है? हमारे दुख का यही कारण है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, सो जाकर वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद मैं जैसे ही सेटिंग्स के ऑप्शन पर गया, मुझे लगा कि यार मैं कोई स्मार्टफोन चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें A से लेके Z तक सारे फीचर्स एंड्रॉइड स्मार्टफोन जैसे हैं। चलिए अब मैं आपको इस वॉच में प्ले स्टोर के थ्रू एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले सर्च कर लेते हैं Instagram एंड लगा देते हैं इसे डाउनलोड पर। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस वॉच में प्ले स्टोर के थ्रू Instagram एप्लीकेशन डाउनलोड भी हो रही है। सो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी वॉच में Instagram प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। एंड जैसा सेम Instagram स्मार्टफोन्स में चलता है, वैसा ही इस वॉच में भी चल रहा है। लेकिन अब कुछ क्रेजी करते हैं, यानी इस वॉच में हम सर्च करने वाले हैं BGMI। एंड अगर डिवाइस BGMI को सपोर्ट करता है, सो यहाँ पर BGMI एप्लीकेशन भी शो होगी। भाई सही बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वॉच में BGMI भी चल सकती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस वॉच में BGMI को डाउनलोड करके प्ले करूं, सो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स कंप्लीट करा दो। ओके गाइस, यहाँ पर हमने BGMI तो सर्च कर लिया, सो चलिए अब फ्री फायर वालों का भी दिल रख लेते हैं और सर्च करते हैं फ्री फायर। रियलिटी बताऊं, 5000 लाइक्स करवा दो
जितनी भी हैवी गेम्स है सब इसमें प्ले करके दिखाऊंगा एक स्पेसिफिक वीडियो में। क्या बात है दोस्तों, इस वॉच ने फ्री फायर वालों का भी दिल रख लिया बिकॉज इस वॉच में फ्री फायर भी चलती है। बट अभी तो शुरुआत है बिकॉज अब हम देखेंगे कि जब हम इस वॉच में यूट्यूब वीडियोस को प्ले करते हैं सो ये वॉच मैक्सिमम कितनी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी सर्च कर लेते हैं आपके और हमारे चैनल टेक्रोनिक्स को। एक और इम्पोर्टेंट बात की अगर आपने हमारी न्यू वीडियो M10 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच पर नहीं देखी सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से देख लेना। थोड़ा आगे बढ़ा जाए सो यहाँ पर जो वीडियो है वो प्रॉपरली प्ले हो चुका है। एक चीज गौर करो कि जब हम अपने स्मार्टफोन्स में यूट्यूब वीडियो प्ले करते हैं सो अपर साइड स्वाइप करने पर वीडियो फुल स्क्रीन में चला जाता है, वैसा ही सेम फीचर आपको इस वॉच में भी दिया गया है। अब अगर मैं इसकी वीडियो क्वालिटी वाले ऑप्शन पर जाऊं सो यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम क्वालिटी मिलती है वो 1080 पिक्सल्स तक है, वो भी HD में। भाई साहब इतनी छोटी वॉच और 1080 पिक्सल्स को सपोर्ट करती है। एंड यार गौर करने वाली बात ये है कि 1000 पिक्सल्स पर ये वीडियो चल रही है एंड किसी भी टाइप के लैग्स एंड फिक्सचर्स भी फील नहीं हो रहे। मानना पड़ेगा भाई चाइना वालों ने इस वॉच में काफी तगड़ा माल मसाला दिया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो कर लेना बिकॉज हम अपने चैनल पर ऐसे ही तगड़ी वीडियोस लाते रहते हैं। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि इस वॉच का ओवरऑल प्राइस कितना है, सो इसका बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से चेक कर लेना। कुछ और खास फीचर्स की बात की जाए सो इस वॉच में व्हाट्सएप भी चलता है। एंड बचपन में आप सभी ने एक गेम तो जरूर खेली होगी, वो है सबवे सर्फर्स। सो मैंने इस गेम को इस वॉच में डाउनलोड कर लिया है एंड ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्या ये गेम इसमें चलती है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, इस वॉच में ये सबवे सर्फर्स गेम भी चल चुकी है। मजे की बात यह है कि वॉच का साइज छोटा होने के बाद भी ये गेम इसमें प्रॉपरली वर्क कर रही है एंड किसी भी तरह के लैग्स एंड फिक्चर्स भी फील नहीं हो रहे। बाकी मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं सो आप इस वॉच में जो ईमेल आईडी लॉगिन करोगे वो ऐसे करना जिसका यूज आप ना करते हो या फिर न्यू क्रिएट कर लेना। आपका जो मेन अकाउंट है वो इसमें लॉगिन मत करना बिकॉज यार सिक्योरिटी पहले है उसके बाद ये सभी चीजें। बातों ही बातों में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि इस वॉच में आपको मिलती है 2.08 इंचेस की एक TFT डिस्प्ले, वो भी 500 निट्स हाई ब्राइटनेस के साथ। चलिए अब फाइनली कर लेते हैं इस वॉच का म्यूजिक साउंड टेस्ट, जिसके लिए मैं प्ले करने वाला हूँ एक म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूट्यूब पर अगर हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं सो वहां पर थोड़ी साउंड नॉर्मल से कम रहती है, तो फिर साउंड टेस्ट के लिए मैं अपनी साउंड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। मेरे हिसाब से गाइस साउंड क्वालिटी तो बेटर है लेकिन थोड़े लाउडनेस और बेस में मुझे कमी लगी सो उस पर थोड़ा काम हो सकता था। ऑलराइट गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस वॉच से रिलेटेड वो सभी मैंने आपको बता दिए। एंड अगर आपको इस एंड्रॉइड वॉच पर और भी वीडियोस चाहिए सो इस वीडियो पर आपको 5K लाइक्स का एम कंप्लीट करवाना है, देन इस वॉच पर एक और धमाकेदार वीडियो आ जाएगी। तो चलो आप जाओ इस वीडियो को लाइक करने और मैं चला अगली वीडियो पर काम करने।